हाय गाइस, और कैसे हो आप सब लोग। और गाइस, इस साल एप्पल पता नहीं अपने आईफोन 14 सीरीज के लाइनअप के साथ क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले एप्पल जो है अपने आईफोन 14 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर हमें जो है लेटेस्ट प्रोसेसर जो है प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो कि होने वाला है A16 बायोनिक चिप। ये हमें आईफोन 14 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर नहीं देखने मिलने वाली। ये न्यूज को सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो है निराश हुए थे, बट अब एक और शॉकिंग न्यूज है रिगार्डिंग आईफोन 14 सीरीज के आई है कि इस साल एप्पल जो है अपने आईफोन 14 सीरीज की लाइनअप की जो है प्राइसिंग को वो इंक्रीज करने वाला है बाय $100। सो आईफोन सीरीज जो हमें और भी ज्यादा जो इस साल एक्सपेंसिव देखने मिलेगी। एंड अगर हम बात करें आईफोन 13 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की, सो गाइस आईफोन 13 जो हमें $799 का जो यूएसए के अंदर देखने को मिलता है इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट। एंड वही अगर हम बात करें आईफोन 14 की, तो आईफोन 14 का स्टैंडर्ड वेरिएंट ये हमें देखने को मिलेगा $899 का। तो $100 का जो है यहां पर हमें जो है प्राइस हाइक देखने को मिलेगा आईफोन 14 के अंदर। सो अब जैसे कि हमें आईफोन 14 जो है ये हमें देखने को मिलेगा $899 का। एंड अगर हम कन्वर्ट करते हैं $899 को इंडियन प्राइसिंग में, तो ये फोन हमें जो अराउंड पड़ेगा 90,000 रुपीज का। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर जो हमें बहुत ज्यादा टैक्सेस पड़ते हैं, जीएसटी काफी ज्यादा पड़ता है, तो जिसके करके आईफोन की जो कीमत है काफी ज्यादा जो हमें एक्सपेंसिव देखने में जाती है। सो अब हमें आईफोन 14 का स्टार्टिंग वेरियंट ही देखने मिलेगा इंडिया के अंदर 90,000 रुपीज का, इसका 128 GB वेरियंट। सो आईफोन जो है अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को स्टैंडर्ड वेरियंट ही 90,000 रुपीज का देखने मिलने वाला है। वही अगर हम बात करें इसके मैक्स वेरियंट की, सो मैक्स जो है ये हमें पड़ेगा अराउंड 1 लाख रुपीज का। उसी के साथ अगर हम बात करें प्रो मॉडल की, तो प्रो मॉडल जो है ये भी बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हैं। सो आईफोन 14 प्रो जो है ये हमें पड़ेगा अराउंड 1,30,000 का, एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है ये हमें पड़ेगा अराउंड 1,40,000 का। सो आईफोन जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसिव होने वाले हैं। एंड अब ये जो चीज है ना, डेफिनेटली आईफोन की सेल्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगी, स्पेशली और नॉन प्रो मॉडल्स, क्योंकि नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर हमें एक तो जो है फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर देखने मिलने वाले आईफोन 13 के जैसे। उसी के साथ हमें आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर जो है कोई भी लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं देखने को मिलने वाला। सो इस साल का जो आईफोन लाइनअप होगा ना, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन लाइनअप होगा अभी तक का। सो गाइज, ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, हेल्पफुल होगी तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे लाइक करना। एंड उसी के साथ अगर आप सब लोग हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो, सो गाइज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड गाइज, आपने और मैंने मिलकर जल्दी से जल्दी 15K सब्सक्राइबर्स के गोल को भी कंप्लीट करना है। सो मिलता हूं मैं आप सब लोग से इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइज, तब तक के लिए जय हिंद।